अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आइए चल के पहले उनकी प्रोफाइल देखते हैं, फिर उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे। You know, I've been waiting on this my whole life. Slim, you my homie. Just make shit happen. Hey you, what are you looking at? I'm still your REW superstar, Rico Bennett. It doesn't matter if I don't have hair, long hair on my body. But what I have, this REW Eastern Heavyweight Championship, and no one is going to take this away from me. You know why? Because I am the best wrestler in the history of professional wrestling. जी, तो इनका नाम है बिलाल आफरीदी, कुवू ब्रैंडन भी इन्हें कहा जाता है, और ये रेसलिंग के बादशाह हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं आपको बिलाल बुलाऊं या फिर कुवू ब्रैंडन बुलाऊं? ये बताएं, आपने इनवाइट किसको किया, कुवू ब्रैंडन को या बिलाल आफरीदी को? हमने इनवाइट किया है कुवू ब्रैंडन को, जो कि रेसलिंग के बारे में तो आपको फिर कुवू ब्रैंडन से ही बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगा कि आपका नाम जो है वो भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, वरना लोग ये समझेंगे शायद आप चाइना से आए हैं। खैर, इसी के साथ मुझे बताएं, कुवू ब्रैंडन आपका नाम किसने डाला, आपके उस्ताद ने या फिर आपने खुद अपने लिए ये नाम तजवीज किया? एक्चुअली प्रोफेशनल रेसलिंग मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, और चाइल्डहुड में मेरे कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स थे कार्टून, क्योंकि रेसलिंग के अलावा मेरा जो सेकंड जो शौक था वो इवन आज भी कार्टून्स का मुझे बहुत शौक। सीरियसली? तो बस मेरे दो फेवरेट कैरेक्टर्स थे, कुवू एंड ब्रैंडन। तो और इनका मीनिंग भी बहुत अच्छा था, क्योंकि कुवू जो है वो एक्चुअली स्कार को कहा जाता है, यानी जो चोट का निशान होता है, और ब्रैंडन जो है वो बादशाह को कहता है। तो मेरे नाम से जो है उसका मतलब पता चल जाता कि क्या मतलब है। That's why you choose Kuvu Brandon. Exactly. अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आपने बेल्ट माशाल्लाह से पकड़ा हुआ है, और मुझे बताएं ये बेल्ट आपने कब जीता? ये बेल्ट मैंने 23 मार्च को जीता था। एक रेसलर है जो नेपाली, एक रेसलर को ये ईस्टर्न बेल्ट उससे विन करके आया था, जॉर्डन होल, और उसी से मैंने ये बेल्ट विन किया था। और ये मेरा फर्स्ट बेल्ट नहीं है, ये मेरा जो है थर्ड बेल्ट है, और एज अ ईस्टर्न ये फर्स्ट है। इसके अलावा मैं 5 times वर्ल्ड चैंपियन रहा हूँ, और 1 time एशियन एंड 1 time करंट ईस्टर्न चैंपियन। यानी कि ये अभी करंट जो है ये आपने विन किया है। Exactly. Okay. स्टार्टिंग तो हम आपसे पूछेंगे, ऑब्वियसली आपकी जर्नी, आपने कहाँ से स्टार्ट की, तो मुझे ये बताएं ये शौक आपको कहाँ से लगा, किसको आपने देखा और किससे आपने इंस्पिरेशन ली कि मुझे भी एक रेसलर बनना है? बस एक्चुअली आपको याद होगा 90s के दौर में जो है ना रेसलिंग का पाकिस्तान में बहुत रुझान था, हम इवन घर के बड़े बुजुर्ग भी बहुत शौक से देखते थे उस टाइम। तो हमारे घर पे एक बहुत ही फेमस मैच चल रहा था, मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब के नाम से बड़ा फेमस है, शॉन माइकल वर्सेस ब्रेट हार्ट। तो बस पहली झलक मेरी उसी टाइम पड़ी थी शॉन माइकल के ऊपर। अच्छा। तो फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड दैट के आई हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल रेसलर, एंड शॉन माइकल इज ऑलवेज माय इंस्पिरेशन। अच्छा, तो शॉन माइकल आपको पसंद थे, रेसलर हैं वो भी मेरे ख्याल में? वो रेसलर है, अब तो रिटायर हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। बल्कि मेरी अब भी विश है कि मुझे किसी तरह मौका मिल जाए, मैं पाकिस्तान में या तो उसको बुला लूं या मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊँ। बिल्कुल, आप उनके फैन हैं, और ऑब्वियसली हर फैन का दिल करता है कि उनकी जो इंस्पिरेशन होती है उनसे मुलाकात जरूर करें। मुझे ये बताएं कितना अरसा हो गया आपको माशाल्लाह से, मतलब कब, कितनी एज में आपको ये शौक पड़ा और कब से स्टार्ट किया आपने? शौक तो देखें बचपन से ही था, 3 साल की उम्र से ही मुझे ये शौक था, और ये स्टार्ट करने की जर्नी थी ना काफी दर्दनाक जर्नी भी थी। हम सुनना चाहेंगे। एग्जैक्टली। तो बस ये समझ ले पाकिस्तान में ये स्पोर्ट था ही नहीं कभी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं जब कॉलेज लाइफ में आया तो आफ्टर मैट्रिक मैंने कॉलेज के अलग अलग मल्टीपल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया कि किसी स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा नाम बना लूंगा और पहुंच जाऊंगा WWE तक। तो मैंने फिर बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी, तो सोचा फिर बॉडी बिल्डिंग के थ्रू पहुंचूंगा। मैट्रिक के बाद आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट? एग्जैक्टली।
फिर उसके बाद मैंने जो है एक न्यू स्पोर्ट मुझे पता चला, जेवलिन थ्रो, जिसको हम निजेबाजी भी कहते हैं, तो मैंने वो खेला। फिर उसके बाद फिर मुझे बताया कि भाई रेसलिंग का कंपटीशन है, मैं उस वक्त हिल गया, मैंने कहा रेसलिंग रिंग देखने को मिलेगा, पहली बार पाकिस्तान में मतलब मैं जाऊंगा। जब मुझे कॉलेज वाले लेके गए रेसलिंग खिलाने के लिए, मेरी आंखें खुली रह गई, मैंने कहा रिंग का है, और सामने दंगल वाली कुश्ती का जो मिट्टी थी वो थी, मैं तो उसके लिए ना ट्रेंड था ना वो कभी, लेकिन मैंने वो गेम भी खेला और विदाउट ट्रेनिंग ही मैं थर्ड पोजीशन उसमें भी सिक्योर कर लिया। अरे वाह। फिर मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया कि शायद बॉक्सिंग की तरह माइक टायसन के लेवल पे जाऊंगा, और माइक टायसन जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया था मैं भी जाऊंगा। मतलब शुरू से ही आपका जो था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं, किसी स्पोर्ट के थ्रू मैं रेसलिंग में पहुंच जाऊं। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इन द एंड ये हुआ कि मुझे मेरे पार्टनर्स मिले कुछ, जैसे मुस्तफा अली खान, जिशान खान दुरानी, तो और अपने जैसे कुछ क्रेजी मिले ऐसे जो चाहते थे कि भाई रेसलर बने। उनके साथ मिलने के बाद जो है फिर हमने बाहर जाकर रेसलिंग की ट्रेनिंग ली, जैसे जिससे मैंने बेल्ट जीते, जॉर्डन और मुस्तफा अली खान, जिशान दुरानी, हम लोग बाहर गए, वहां से हमने ट्रेनिंग ली। फिर हमने देखा कि वहां पर रह के आगे आने से बेहतर यह है कि हम क्यों ना इस चीज को अपने कंट्री में लाए, हमारे कंट्री में हमारे जैसे ऐसे क्रेजी जो आना चाहते हैं। और क्योंकि हमारे मुल्क में जो है रेसलिंग का सबसे ज्यादा रुझान है, सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं था। ऑब्वियसली आपने नई आने वाली जो यंग जनरेशन है उनके लिए आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो बस हमने फिर यहाँ पर अपनी एकेडमी भी स्टार्ट करी और रेसलिंग की प्रमोशन स्टार्ट करी, REW, रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग। तो अब हमारी जो प्रमोशन है ये अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, नेपाल, इवन के इंडियंस के साथ तक हम लोगों का काम अच्छा चल रहा है। अच्छा। यूएस में हमारा जो पाकिस्तान चैंपियन है इस वक्त वो यूएस में है। नहीं तो पाकिस्तान में जब आपने अभी आपने बताया एकेडमी आपने ओपन की, स्टूडेंट्स आते हैं, वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, बल्कि मैं आपको ये बताऊँ ना कि हमारे पास अब तक जो ट्रेंड है 25 रेसलर्स हैं, जिसमें से लाहौर के अंदर भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स चला रहे हैं, और हमारे पास कतर से भी एक लड़का है उसको हम से ट्रेनिंग करा रहे हैं, इसके अलावा सऊदी अरब से हमारे पास आया था ट्रेनिंग के लिए, तो मतलब मल्टीपल कंट्रीज से हमारे पास अब एडमिशन्स आ रहे हैं, और पाकिस्तान में भी क्वेटा से इवन हमारा एक रेसलर जो है वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो गया। अच्छा, तो रिसेंट मेरी एक शायद वीडियो आपकी नजरों से गुजरी भी हो कि एक वो पाकिस्तान आर्मी को सोल्जर को जो है मैं वो थप्पड़ मार रहा हूँ और उसने मुझे अपना फिनिशर मारा, तो वो तो खैर पार्ट ऑफ द गेम था, लेकिन ये है कि हमारी प्रमोशन से अब अच्छी अच्छी मतलब जगहों पर मतलब ऐसा ऐसा लोगों को आपने अवेयरनेस दी और लोग अवेयर हुए और आपकी तरफ आए। एग्जैक्टली। अभी तक आपकी एकेडमी में कितने परसेंट जो है स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है? हमारे पास ये है कि हमारे टोटल 25 ट्रेन रेसलर्स हैं, और इस वक्त जो अंडर ट्रेनिंग है 10 रेसलर्स अंडर ट्रेनिंग है, तो क्वांटिटी अच्छी रही है। अच्छा, मतलब पूरे पाकिस्तान में जो भी प्रोफेशनल रेसलर्स अभी हैं वो सारे REW से ट्रेन होके गए। एक आध ने अपना अलग रिंग बनाकर अपने जो है प्रमोशन भी स्टार्ट करी है, तो उनको भी देख के हमें खुशी होती है कि भाई हमारे हाथ के बच्चे भी जो है आगे निकलने लगे। ऑब्वियसली आपको ये सोच के कैसा लगता है कि exactly आपकी अचीवमेंट है कि आपने लोगों को अवेयरनेस दी, अब लोग जो है इस तरफ आ रहे हैं, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? नहीं, ये तो सोच के अच्छा लगता है कि क्योंकि एक चीज जिसको आप लाए हो, तो नॉर्मली तो लोगों को थोड़ा सा इस चीज को एक प्रोफेशनल जेलिसी आती है, लेकिन मुझे अच्छा यूं लगता है कि क्योंकि मेरा मकसद जो था, मैं चाहता तो बाहर जाके सिर्फ अपने लिए काम कर सकता बिल्कुल, था बिल्कुल। लेकिन मेरा जो मकसद था यहाँ पर यहाँ के टैलेंट को आगे लेके आना, तो मेरा वो मकसद पूरा हुआ, तो मुझे यही फील होता है कि भाई मेरा, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद जाके मैं जब थोड़ा और सीनियर हो जाऊंगा तो मैं फाइट नहीं कर रहा, मैं फिर और जो है स्टूडेंट्स रेडी करके और रेसलर्स बना रहा। ऑब्वियसली फिर आप इंस्ट्रक्टर होंगे, exactly, सही। तो 3 साल की उम्र में आपने सोच लिया कि आपको रेसलर बनना है, लेकिन जब आपने मैट्रिक में स्टार्ट किया ये जिम शिम, और घर वालों ने कितना आपको सपोर्ट किया? घर वालों को तो खैर हमेशा ये लगता रहा कि अभी शायद नॉन सीरियस है, तो इमेच्योर है, बड़ा होगा तो। That's what I want to say, क्योंकि obviously अगर इस तरह की यहाँ पे कोई चीज करना चाहता है बच्चा, तो घर वाले मोस्टली बोलते हैं नहीं नहीं ये छोड़ो, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। एग्जैक्टली इस तरह बोला घर वालों ने आपको? मेरा तो घर वालों से हमेशा झगड़ा इसी चीज पर है। मेरे वालदा चाहती थी कि भाई मैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करूं, और वाले साहब मेरे चाहते हैं कि वाले साहब मेरे जो है फार्मास्यूटिकल डॉक्टर है ना, तो वो ये चाहते थे कि भाई मैं उनके साथ जो है इसमें आऊँ,
और मेरा जो ध्यान था वो हमेशा रेसलिंग में था। मैं अगर चाहता था कि अगर एजुकेशन भी लूँ ना तो मैं स्पोर्ट्स की लूँ, लेकिन खैर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अप्स एंड डाउन एजुकेशन में भी आए कि मैं घर वालों की जिद पे मतलब आर्मी की तरफ भी गया, फिर मतलब आपने उनके भी शौक पूरे कर उनके मैंने करने के बाद एंड में मैंने कहा भाई मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने आप लोगों के लिए कोशिश करी। सही। तो बाकी ये है कि देखें आप लोग अब जहाँ मेरा दिल लग रहा है उसमें एक दफा आने दें, क्योंकि मैं आप लोगों की जहाँ मैंने कोशिश करी मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन नहीं वहाँ नसीब है मेरा हो रहा क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में फिर एडमिशन भी ले लिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने 3 साल मैंने पढ़ाई करी उसकी, ना 3 साल नहीं सॉरी 3 सेमेस्टर्स मैंने पढ़ा। अच्छा। मेरा उधर नहीं ध्यान लग पा दिल रहा नहीं था। लगा ना। Exactly. हाँ। फिर मैं उसके बाद जुडिशरी में मैं आ गया क्योंकि मुझे अपने शौक को अफोर्ड करना था और मैं घर वालों को नहीं तंग करना चाहता था। सही, सही। जुडिशरी में मेरा दिल लगा, फिर मैंने अपनी एजुकेशन मैंने लॉ में ली, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन किया, LLM का मैं अभी स्टूडेंट हूँ, LLB भी किया हुआ। अच्छा। और जुडिशियल एम्प्लॉय हूँ मैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अच्छा। तो अब वहाँ भी मेरी अपनी अलग फील्ड चल रही है, वहाँ पर भी मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट मिलता है। मतलब क्वेश्चन आपका था कि फैमिली का क्या सपोर्ट था, तो अब जो है मेरी फैमिली से आपने बताया झगड़ा इसी बात पे होता रहा। Exactly. लेकिन आपने हैंडल किस तरह से किया? ऑब्वियसली आपने बहुत सारी उनकी मैंने पहले उनकी बात मानी। Okay. फिर अपनी मानवाने की वो करी, क्योंकि उनको कोई शिकायत ना रहे कि भाई हमारे बच्चे ने हमारी जो है बात नहीं मानी। सही। क्योंकि आगे बहुत सारे लोगों का, इवन मैं अपने छोटे भाइयों का ही अपना आइडियल हूँ, तो वो फिर ये देखते कि भाई हमारे बड़े भाई ने जो है मेरे पेरेंट्स की बात को डिनाई करके पहले अपनी मानी। हाँ, तो इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। छोटों पे बहुत असर पड़ता है। Exactly. सो दैट्स वेरी गुड बिलाल। अब मैं आपको बिलाल बुलाऊं या फिर कोवू ब्रांडन बुलाऊं, ये आप मुझे बता दें। मैं तो ये चाहूंगा आप मुझे कोवू या केबी बोल सकती हैं। केबी इज गुड क्योंकि ये शॉर्ट भी है और मतलब केबी। अच्छा केबी मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने जो है कितनी बेल्ट जीती हैं? मैं वही 5 times वर्ल्ड चैंपियन रहा हूँ, REW वर्ल्ड चैंपियन, और 1 time ईस्टर्न और 1 time एशियन चैंपियन रहा हूँ। तो ये मेरी अब तक की टोटल अचीवमेंट है और ये 5 साल की जर्नी का अचीवमेंट। 5 साल आपको मतलब प्रॉपर हो गए, आप एक रेसलर बने हुए। Exactly. तो टूर्नामेंट्स होते हैं? Exactly, टूर्नामेंट्स होते हैं, बल्कि अभी नेक्स्ट वीक ये रेसल फेस्ट बीच पार्टी के नाम से, और ये अच्छा। पहली दफ़ा बीच पे इवेंट होने जा रहा है रेसलिंग का पाकिस्तान में, ये हॉक्सबे पर है, और इसमें मैं अपना बेल्ट डिफेंड करने वाला हूँ। फिर इसके अलावा हमारा जो इससे भी बड़ा इवेंट है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो जिस तरह WWE का एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर इवेंट होता है समर स्लैम, तो इसी तरह का हमारा भी हो रहा है 2 जुलाई को। अच्छा। समर स्मैश। ओके। तो वो हमारा बहुत बड़ा इवेंट है, तो उसमें काफी सारे मतलब लोग आने वाले हैं, हमारा ये पाकिस्तान आर्मी में जो हमारा जो रेसलर है वो भी आगे पार्टिसिपेट करेगा, और एक बहुत अच्छा है स्टंट्स वगैरह भी करता है मूवीज में ना, जुमा जेब। अच्छा। तो क्वेटा से आ रहे हैं वो भी आ रहा है, फिर मतलब पाकिस्तान के कोने कोने से रेसलर्स आ रहे हैं, इवन कुछ रेसलर्स नेपाल से आ रहे हैं, जैसे नेपाली ब्रो कुमार थापा। ओके तो मुझे ये बताएं ये जो आपके इवेंट्स होते हैं ये सारे आप खुद मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर आपके पास स्पॉन्सर्स होते हैं इसके लिए? इसमें ये है कि अब तक तो हमने स्टार्ट में जितना कुछ किया हम लोगों ने खुद ऑर्गेनाइज किया। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में जैसा मैंने बताया इसका कोई वो रुझान था नहीं, वो अवेयरनेस ही नहीं थी। Exactly. लोगों को तो हमने इसका स्टार्ट पहले खुद लिया था, अब जाके इतनी स्टेबिलिटी आई है कि अब हम जब कुछ इवेंट कराते हैं तो अब हमें अपनी पॉकेट से कुछ नहीं करना, मतलब लोग स्पॉन्सर करते हैं, अब स्पॉन्सर हमें आने लगे। ओके दैट्स वेरी गुड। तो मुझे ये बताएं कि आप बाहर के मुल्क भी आपने बोला आप गए। Exactly. कहां गए थे आप? अच्छा मैं दुबई जा चुका हूँ, नेपाल जा चुका हूँ, ये दो नेपाल के साथ तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि वहाँ के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं तो मैं उनके टेन्योर में गया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो वहाँ पे भी आपका कोई टूर्नामेंट था? एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं एशियन चैंपियन भी नेपाल में ही बना था और ईस्टर्न भी मैंने नेपाली से ही वो किया था। चलें थैंक यू सो मच, और मुझे जाना है अभी एक ब्रेक पे, तो व्यूअर्स मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं केबी।
तो मैं अब आपको केबी बुलाऊंगी क्योंकि इट्स यू नो वेरी शॉर्ट फॉर्म. तो मुझे ये बताएं कि इतने अरसे में आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, कोई ऐसा कोई एक वाक्या है जो आपको याद रहा हो, अनफॉरगेटेबल कोई ऐसे एक ऐसा वाक्या हमारे साथ शेयर करिए. देखिए मेरी जो है ना प्रॉब्लम ही टोटल मेमोरी की है, जिसकी वजह से मैं काफी सारी चीजों में जो है ना मुझे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. एंड यू नो व्हाट, इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ मतलब भुलाने की कुछ कोशिश करते हैं लोग, भूल आपके ऊपर तो अल्लाह की खास रहमत है. अच्छा, कि आपका मतलब एक दिन के बाद क्या मेमोरी डेटा डिलीट हो जाता है सारा? कुछ ऐसा ही समझा. अच्छा, वैसे मैं आपको ये बताऊं, अगर कुछ मेमोरेबल मोमेंट मेरी लाइफ में अगर है तो है तो रेसलिंग से ही रिलेटेड, क्योंकि पिछला तो मुझे इतना जिंदगी का कुछ वाकई में याद नहीं है. मेरे दो मोमेंट्स किसी टूर्नामेंट का कोई ऐसा वाकया exactly, कुछ इस तरह का शेयर करें. मेरा तो मैं आपको दो मोमेंट्स बताऊंगा. सबसे पहला तो ये कि जब हमारा पहला इवेंट हुआ पाकिस्तान के अंदर रेसलिंग का, क्योंकि ऑब्वियसली वो फर्स्ट इवेंट था जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मतलब पहली बार जब मिला तो उसमें पब्लिक का मुझे जो चैंट मिला था अनबिलीवेबल. मतलब पब्लिक को मेरा नाम नहीं पता था लेकिन इवेंट में मेरी परफॉर्मेंस देख के इतना पसंद आया. मतलब आपको रिस्पांस बहुत अच्छा दिया. एग्जैक्टली, तो फर्स्ट इवेंट के अंदर जब इस तरह का रिस्पांस आ गया, क्योंकि मैं उस वक्त पहली दफा रिंग के अंदर जो है इतनी पब्लिक मैंने फेस करी थी ऑलमोस्ट उस वक्त, क्योंकि मॉल था ना तो एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है इंसान की. एनर्जी की मेरी तो आंखों से आंसू आ गए थे. पब्लिक ने मेरा नाम, अब मैं हैरान कि मेरा नाम इनको याद हो गया और एक चैंट बना दी कोबू और थ्री क्लैप की पूरे मॉल में जो है ना, और चार और रेसलर्स थे रिंग में, तो उन चारों को छोड़ के ओनली मुझे चैंट किया. मतलब एक होता है ना पब्लिक शायद आधी इसको या आधी एक और कोई सिलेक्ट कर सकता, ये मेरा एक बहुत अच्छा मेमोरेबल मोमेंट था. और सेकेंड था जो मेरा नेपाल में फर्स्ट वर्ल्ड था ना अगेंस्ट इंडियन रेसलर, तो वो स्टोरी कुछ यूं थी कि मैं डरा डरा गया था क्योंकि अच्छा। नेपाल बेसिकली इंडियन फ्रेंडली कंट्री है और मुझे उम्मीद थी कि नेपालीज जो है वो इंडियन को सपोर्ट करेंगे. ड्यूरिंग मैच मेरे साथ चीटिंग हो रही थी क्योंकि जो रेफरी था वो इंडियन ही था. अच्छा, तो अब हुआ ये कि जब मेरे साथ चीटिंग हो रही थी ना, सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज ये थी क्योंकि वहां मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था. ऑब्वियसली तो नेपाली ऑडियंस ने भी मुझे सपोर्ट किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के चैंट लग गया. अरे वाह. तो जब मैंने मैच छोड़कर मैंने एक दफा ऑडियंस की तरफ फेस किया और मैंने देखा कि मतलब वाकई में मतलब सारे इंडियन दे सपोर्ट यू ना. एग्जैक्टली. तो उन्होंने क्या आपके साथ जो है चीटिंग क्या करी थी? चीटिंग ये कही थी, ऐसे रेसलिंग के अंदर थ्री काउंट होता है तो वो जब मैं फिनिशर मार के थ्री काउंट की तरफ जाता हूँ, रेफरी जो है वो थ्री काउंट बहुत लेट कर रहा था ताकि अगला जो रेसलर उसको किक आउट करने का मौका मिले. आया ऐसी किसी चीटिंग पे कि आपने उस मेन बंदे की बजाय रेफरी को दो लगा दी हूं? मैंने उसी वक्त उस वक्त हुआ ये कि रेफरी ने एक मैच मुझको इस तरह हरवाया. अच्छा, फिर उसके बाद आवाम की वहीं पर आवाज उठाने की वजह से जो वहां ऑर्गेनाइजर थी उसने रीमैच मतलब उसको दोबारा कंटिन्यू करा. ओके, फिर वो जब दोबारा कंटिन्यू हुआ तो वो उसने रेफरी ने हाथ मिला के मुझे कंफर्म किया कि भाई इस दफा मैं फेयर करूंगा, कोई वो नहीं है, इंडिया पाकिस्तान दोस्त है और हम भाई हैं. ठीक है, गले भी लग जाने के पहले तुमने पैसे पकड़े हुए. लेकिन अगेन वो यही चीज कर रहा था. फिर उसके बाद जब उसने अगेन किया ना तो ऑडियंस ने चैंट किया कि भाई अब रेफरी को ही मारो. तो मैंने कहा ऑडियंस की सुन लेना चाहिए क्योंकि भाई पठान दिमाग है मेरा, गुस्सा आ गया. फिर मैंने उसको अपना फिनिशर मारा और मैच की जो एंडिंग थी वो पिनफॉल जो है ना ऑर्गेनाइजर ने खुद आगे किया. ओके ओके, तो इस तरह मतलब आपके साथ होता रहता है. Exactly. तो कभी आपने गुस्से में उस बंदे की बजाय कभी किसी और को भी आप एक दो मारे हैं? रिंग के बाहर तो मैं बहुत कूल माइंड बंदा हूँ क्योंकि रिंग के बाहर मुझे अक्सर लोग ये बोलते हैं कि भाई यू आर अ जेंटलमैन. हम नहीं समझ सकते कि रिंग में कोई और है या यहाँ कोई और. तो गुस्सा सिर्फ रिंग के अंदर आता है, रिंग से बाहर नहीं आता. आम रूटीन में आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता? बिल्कुल नहीं. अच्छा, मुझे ये बताएं स्कूलिंग आपकी कहाँ से थी? स्कूलिंग मेरी गुजरात से. अच्छा, दारे अरकम मॉडल हाई स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है, बेसिक एजुकेशन वहीं से ली है. फिर बेसिकली मैं मतलब पंजाब में मेरा चाइल्डहुड गुजरा जी. फिर उसके बाद जो मेरी फिर जो लास्ट जो कॉलेज लाइफ की जो आती है उस टाइम हम हैदराबाद आ गए थे. तो यहाँ पब्लिक स्कूल हैदराबाद से फिर मैंने पढ़ा. फिर सिंध यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स है. सही. और
DIH से मेरा LLB है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह LLM मेरा स्टार्ट होने जा रहा है। तो ऐसी कोई चीज रह गई है जो आप कह रहे हैं कि अब ये भी कर लूं मैं? PhD रह गया लॉ के अंदर, अब PhD भी करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो मुझे ये बताएं कि आप यूनिवर्सिटी तक भी गए, ऑब्वियसली एक कॉलेज लाइफ भी देखी आपने और गुजरते गए, बस चीजों की तरफ बढ़ते गए। जिंदगी में कभी मोहब्बत हुई आपको? ये क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मोहब्बत के मामले में जो है ना, मैं शायद एक, मतलब आपने देखा होगा मैं जितनी बातें बताएं, मैंने कहीं ये नहीं बताया कि मैं कहीं फेल हुआ इस मैटर में। मैं हमेशा, क्यों, एक दफा हुआ था और अभी दोबारा हुई है, लेकिन खैर कॉलेज लाइफ में तो कभी भी नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में हुआ होगा। यूनिवर्सिटी लाइफ अट्रैक्शन तो हुई होगी किसी के साथ? नहीं, क्योंकि हम नाम नहीं पूछेंगे, डोंट वरी, हम कुछ भी नहीं पूछेंगे, बस आप बता दें हुआ था या नहीं। नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो कभी भी नहीं हुआ, लेकिन ये कि अभी जो हुआ है वो एजुकेशन से, मतलब कुछ ना कुछ हुआ है। हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, चलें जी, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। और ये जब आके लोग, मतलब आप ही हैं, मेरे बाकी भी गेस्ट आते हैं, जब कोई इस तरह की बात करते हैं, देखिए ये एक ऐसी कोई चीज़ है कि जो जिंदगी में होनी होनी होती है, तो लोग बड़े सियासी बयान देते हैं, लेकिन हैट्स ऑफ। मेरा हमेशा प्रॉब्लम ये रहा है कि टाइमिंग का बहुत इशू रहा। अच्छा, मतलब अगर हो भी गया तो, इवन आजकल मैं पहली बार हूँ, मतलब हुई है मोहब्बत ना, और सबसे ज्यादा झगड़ा यही रहता है कि भाई आप टाइम नहीं दे पाते, नहीं दे पाते। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आप हो, क्योंकि उसको ये लगता है कि भाई रेसलिंग के अलावा मेरी और कोई दुनिया नहीं है। इवन वो अब तो ये आता है कि भाई आप रेसलिंग ही छोड़ दो अगर मेरे लिए टाइम नहीं है तो। अरे भाई, उसको बोलो ये मत कहना क्योंकि फिर मैं कहूंगा भाई बहन आप कौन है। खैर, एनीवेज, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और बहुत हम्बल और बड़े आप जो है लगता है खामोश किस्म के इंसान हैं। जिस तरह से मैंने आपसे इतनी देर में बात की, देखिए मुझे भी थोड़ा सा लोगों को पता चल जाता है क्योंकि मैं बात कर रही होती हूँ। खैर, एनीवेज, आगे अब शादी का क्या इरादा है? तो यही है जिससे अभी मैंने जिक्र किया। हाँ, तो इसी से ही शादी का मेरा प्लान है। नहीं, मतलब कब तक का इरादा है आपका? नॉर्मली तो ये है कि मेरा तो इरादा शादी का इतना, मतलब कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। हाँ, तो लेकिन ये कि जैसा फिर ये बोलेंगे तो लड़की घर वालों के हिसाब से फिर चले जी, अल्लाह करे आपकी शादी भी हो जाए और खैर वो भी समझ जाए। और आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में जो है रेसलिंग का, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? पाकिस्तान में रेसलिंग का फ्यूचर माशाल्लाह बहुत ब्राइट है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, और 5 साल में मैंने, मतलब हमने रेसलिंग की ग्रोथ इतनी स्पीड में देखी है, क्योंकि मैं और स्पोर्ट्स को देखता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर मैं नहीं डिमोटिवेट किसी को करना चाहूंगा। वो आके टीवी पर रोते हैं कि यार हम इतना, मतलब अपने आप को हैवी करते हैं, हमारी डाइट ऐसी होती है, या कुछ होते हैं कहते हैं हमारे पास तो ग्लव्स तक नहीं है खेलने के लिए। तो 50-50 साल से वो स्पोर्ट्स चल रहे हैं और वो आज तक आकर मैंने उनको सिर्फ मीडिया पर रोते हुए ही देखा है, और सिर्फ गवर्नमेंट से शिकायत करते देखा है। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में ना गवर्नमेंट से कुछ मांगा, सही, सिवाय परमिशन के कि हमें, आपने जो किया अपने ओन पे, हमने अपने ओन पे किया, और सिर्फ हम इनवाइट कर लेते बड़े उदेदारों को कि भाई आओ और सिर्फ आप हमारा जो है शो देखकर चले जाओ। अब सब लोग खुद ही इम्प्रेस होते गए, हमें अपॉर्चुनिटीज देते गए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन्वेस्ट करने की इसमें नीड नहीं पड़ती। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी, अगर आपकी नीयत साफ है तो अल्लाह जरूर आप। मेरा मानना ये है कि मैं गवर्नमेंट से डिमांड करूं। हाँ, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने मेरे कान में नहीं बोला अगर कि यार तुम रेसलर बनो, मेरा शौक था तो मैं डिमांड नहीं करूंगा। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको मनवाऊं, अपना शो दिखाऊं, एक चीज की वैल्यू बताऊं, अपने काम से मनवाऊं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड जी। और ये एक जो है अगर जज्बा हमारे हर पाकिस्तानी शहरी में आ जाए तो मेरे ख्याल में जिंदगियां बड़ी आसान हो जाए। खैर, मुझे ये बताएं कि ये जो एक रेसलर है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्रैक्टिस या फिर उसकी डाइट या फिर मतलब क्या एक्सरसाइज क्या होता है उसके लिए? देखिए, ये सिर्फ रेसलर के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है लाइफ में बैलेंसिंग। सही, तो आपकी डाइट और प्रैक्टिस हर चीज के हिसाब से, अगर मैं रेसलर हूं तो मेरे लिए मेरी एक्सरसाइज, मेरी प्रैक्टिस और डाइट। तो एक्सरसाइज के लिए जिम में आप कितना टाइम लगाते हैं? जिम में हम टाइम कम देते हैं क्योंकि हमारा जो रिंग ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज्यादा टफ होती है, तो वो करने के बाद जो है जिम की जरूरत नहीं पड़ती। एक साथ एक दिन में तो दो चीजें बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्योंकि कार्डियो हो जाए आपका वेट फिर गिर जाता है, और वेट गिरेगा तो रिंग में फिर आप का आने का बेनिफिट नहीं है,
रेस्ट भी बहुत जरूरी होता है, तो हम इसको बैलेंस इस तरह करते हैं कि वीक में 3 दिन हम जो है रेसलिंग ट्रेनिंग करते हैं, अच्छा, और 3 दिन जो है हम जिम ट्रेनिंग करते हैं, अच्छा, और 1 डे जो संडे होता है उसमें हम अपना जो है चीट डे कर लेते हैं कि हमने पूरा वीक अगर डाइट प्लान दूसरा लिया तो चलो संडे को एटलीस्ट हम कुछ खा लें, भाई चलो आज फास्ट फूड ले लेते हैं, कोई मसला नहीं, और रेस्ट भी हो जाता है। तो डाइट आपकी डाइट में क्या लेते हैं आप? People knows about you, cause पहली दफा मेरे शो में रेसलर आके बैठा है, तो पाकिस्तान में माशाल्लाह आपका इतना नाम है, तो पता होना चाहिए लोगों को आपके बारे में। That's what I want to say, कि डाइट क्या है आपकी? डाइट में ये है कि मैं जो नाश्ता करता हूँ तो उसके अंदर मेरी कोशिश ये होती है कि हैवी से हैवी मैं डाइट लूँ, और डाइट में नाश्ते में कुछ भी लूँ मैं एग जरूर लेता हूँ। I heard about this, 10 या 12 अंडे खाने पड़ते हैं? कितने? नहीं, इससे ज्यादा ही खाने पड़ते हैं। अच्छा, मैंने 12 के बारे में। लेकिन विदाउट योक। हाँ। क्योंकि मेन आपका जो प्रोटीन है वो एग से ही है। व्हाइट एग होता है। एग व्हाइट, एग्जैक्टली। और फिर दूध के साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं ड्राई फ्रूट ज्यादा ले सकूं। ओके। तो उससे एक तो मैंने जैसे बताया मेमोरी का इशू है, तो बादाम तो वैसे ही मशहूर है। ये तो मैं भी आपको मशवरा दूंगी, आप बादाम ज्यादा खाया करें। मैं बादाम तो लेता ही हूँ, और अखरोट, ये सारा जो भी ड्राई फ्रूट है। यू नो व्हाट, इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट इन यू कि आपकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, बिकॉज ये इट्स वेरी यू नो एक आपके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी है, वरना यहाँ पे लोग एक चीज को बुलाने में सदियां लगा देते हैं लेकिन कमबख्त भूलती नहीं है, बात यह है सारी। खैर, मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में आपके क्या शेड्यूल्स हैं, आपके कितने टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। हमारा अभी अपकमिंग, तो मैंने जैसे स्टार्ट में बताया, रेसल फेस्ट बीच पार्टी है 12 जून को। 12 जून तो ये तो हमारा एक छोटा सा मतलब आपस में रेसलर्स का वो है, हमारी अपनी अकेडमी की ना। तो ये भी आप खुद कर रहे हैं या ये हम खुद कर रहे हैं? ये हम खुद कर रहे हैं, ये हमारा अचानक से मतलब प्लान बना कि पिकनिक करते हैं, तो अब पिकनिक हो रही थी तो हमने कहा कि हम यहाँ पर रेसलिंग करते हैं, तो यहाँ हमारे कुछ फ्रेंडली मैचेस हैं। अब आपस में कुछ अनबन हो जाती है तो एक अलग बात है कि डेफिनेटली रेसलिंग है तो खून तो खोल ही जाता है कहीं ना। बाकी हमारा जो बहुत ह्यूज इवेंट आ रहा है, जो समर का ब्लॉकबस्टर इवेंट है, बल्कि हीट वेव है रेसलिंग इंडस्ट्री में, तो समर स्मैश नाम है, जो कि एट्रियम मॉल में होने जा रहा है, और एट्रियम मॉल में होगा ये, और एट्रियम मॉल के अंदर 2 जुलाई 2022 इसकी डेट है। तो ये हमारा इसके अंदर इवेंट के बाहर से भी रेसलर आ रहे हैं, और फिर करा पाकिस्तान के हर शहर से रेसलर आ रहे हैं। इवेंट पाकिस्तान आर्मी का, जैसे मैंने बताया, हमारा जो रेसलर था वो भी इसमें आ रहा। बिल्कुल, 2 जुलाई को जो है इनका बहुत बड़ा इवेंट है, जो जो जाना चाहे वो मेरा शो जाके देख सकता है देखने के बाद, क्योंकि उनको रियायत मिलेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल जी, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जरूर जाइएगा, आपको रियायत मिलेगी। तो अगर एक रेसलर का मूड होता है कि वो मतलब हॉलीडे पर जाए या पार्टी करे, तो वो इवेंट रख लेता है? हाँ, पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं। मतलब आपने बोला कि पिकनिक का मूड था तो हमने सोचा कि हम रेसलिंग का वो रख लें। हम लोग तो पिकनिक का मूड कब से कर रहे थे, हम मतलब 5 साल में पिकनिक कर ही नहीं पा रहे थे। अच्छा। हमारे बेसिकली, क्योंकि हर रेसलर की कोई ना कोई साइड एक्टिविटी है। यही से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है। व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ बैठे हैं केबी, और बड़ी मजे मजे की अच्छी सी चिट चैट चल रही है इनके साथ, और अब हम आएंगे थोड़ा आपके लाइक्स और डिसलाइक्स की तरफ। तो मुझे ये बताएं कि आपका बर्थडे कब होता है? बर्थडे मेरा 5 अक्टूबर को आता है। 5 अक्टूबर बर्थडे मनाते हैं? मैं तो नहीं करता, लेकिन अक्सर मेरे फ्रेंड्स या फैंस जो हैं वो सरप्राइज दे देते हैं, प्यार करते हैं ना आपसे, इसलिए आपको सरप्राइज दे देते हैं, वरना कुछ लोगों के जो फ्रेंड्स होते हैं वो तो बर्थडेज भूल ही जाते हैं। अक्सर लोग इस तरह के पाए जाते हैं इस दुनिया में। खैर, मुझे ये बताएं खाने में क्या पसंद है आपको, देसी, कॉन्टिनेंटल या फिर चाइनीज? नहीं, मुझे तो देसी खाना ही पसंद है। देसी खाने में मेरे सामने अगर आप समोसा रख दें और आप पिज्जा रख दें तो मैं, अब तो खैर वो डाइट का काफी ख्याल रखना पड़ता है, वरना मैं समोसे की तरफ जाता हूँ। मतलब आप समोसे को चूज करेंगे? देसी फूड मुझे ज्यादा पसंद है। तो खाने में क्या पसंद है? मुझे मखनी हांडी बहुत ज्यादा पसंद है। कभी खुद बनाया खाना? खाना खुद बनाया। अच्छा, क्या अच्छा बनाते हैं?
ये तो आपको मेरी वालदा या घर वाले ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, घर वालों के लिए बनाते हैं खाना? जी, वाह जी वाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके साथ ब्याह कराएंगी उनको किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लेडीज के लिए तो आपने मुझसे गलती करवा दी टीवी बोलवाकर। देखा, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, इसीलिए मैं पूछ लेती हूँ पहले। खैर, एनीवेज, अच्छी बात है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। खैर, और मुझे ये बताएं, म्यूजिक किस तरह का पसंद करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं? मैं एग्जैक्टली म्यूजिक सुनता हूँ, और ये है कि रेसलिंग थीम्स जो होती हैं यही सबसे ज्यादा मैं सुनता हूँ। तो इवन 24 आवर्स जो है म्यूजिक कोई ना कोई मेरे चल रहा होता है, लाइक शॉन माइकल या रेजर रेमोन, सीएम पंग, इनके थीम्स मेरे मतलब लिए। गाने वाने कुछ नहीं सुनते हैं आप? नहीं, गाने ये रेसलिंग्स के थीम्स ही सुनते हैं आप? तो इस कदर इतना जुनून कैसे आया आपके अंदर? आई वांट टू नो अबाउट दिस। बस चाइल्डहुड ड्रीम था। तो अब बात वही है ना कि हम कहते हैं कि बच्चे को अगर आप बचपन में ही समंदर में फेंक दो तो तैरना सीख ही जाता है। मैंने बचपन में एक पहली चीज जो देखी थी वो रेसलिंग ही देखी थी, और तब से ही मुझे वो क्रेज हो गया था इस चीज का। मतलब आपके घर में रेसलिंग बहुत देखी जाती थी? मेरे घर पर तो नहीं देखी जाती, मतलब मैं नानी के यहाँ जब जाता था तो मेरे वहाँ कजन्स थे, तो हम लोग वहाँ आपस में खुद भी लड़ लेते थे, और मेरे कजन्स बहुत देखते थे, मेरी नानी बहुत देखती थी। Okay. तो टीवी पर बस एक दो नजर पड़ गई तो एक स्टाइलिश सा, मतलब मुझे मजा आया, तो बस मैंने कहा रेसलर ही बनना। क्या बात है, मतलब मेरे पहली दफा सुना। मतलब उस वक्त बच्चों का अगर सुपर हीरो जो है सुपरमैन या बैटमैन होता था ना, तो मेरा सुपर हीरो भाई रेजर रेमोन या शॉन माइकल होते थे। नहीं, मतलब इतना जुनून कि आप गानों की बजाय थीम्स ही सुनते हैं। खैर, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं? जी एग्जैक्टली। मूड ऑफ किन बातों से, गुस्सा किन बातों से आता है? गुस्सा तो ये है कि आता है तो पता तो नहीं चल पाता, लेकिन आपको नहीं चलता होगा, अगले को तो अच्छा खासा पता चलता होगा। नहीं नहीं, वो रिंग में अगर किसी को पता होता है तो होता है, रिंग से बाहर की दुनिया की, रिंग के बाहर जो है गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन ये है कि बहुत रेयरली तो आता है, लेकिन जब आ जाता है तो फिर वाकई में मतलब वंस इन अ ब्लू मून कंट्रोल बहुत है, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी जो है वो एक लावा भी जो है वो फट जाता है, और फिर जब फटता है तो क्या होता है? बस फिर थोड़ा सा वो हो जाता है फिर, क्योंकि मैं जबान से इतना बात नहीं करता हूँ। बिल्कुल। तो, और गुस्सा जैसा आपने पूछा किन बातों पे आता, तो ये तो मुझे आज तक खुद भी पता नहीं चला कि किन बातों पे आता है। मतलब कभी छोटी छोटी बातों पे भी आ जाता है और कभी बड़ी छोटी छोटी बातों को मैं हमेशा इग्नोर करता हूँ। हाँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि चीजें बिगड़ने के बजाय उनको सेटल कर सकूं। गाना गाते हैं? अगर आप तो सीम सुनते हैं, मैं आपसे कैसे सवाल करूँ? गाना सुनते नहीं है तो गाना गाते हैं? नहीं, मैंने म्यूजिक, एक ऐसा टाइम भी आया था मेरी कॉलेज लाइफ में, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था फारे। हाँ। तो मैं उसको बड़ा फॉलो करता था, मतलब हाँ। जैसा वो करता था ना मैं उसके साथ साथ वैसा करने लग जाता था। तो उन दिनों मैंने जो है दूसरे थीम्स भी सुनना शुरू किए थे, ये इंडियन जो होते हैं ना, तो मैंने उस वक्त गिटार बजाना शुरू किया था। अच्छा, यानी ये म्यूजिक की तरफ भी जाना चाह रहे थे आप? एग्जैक्टली। तो अच्छा। लेकिन यह है कि थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज हो गया कि भाई ये मेरे हाथ जो है ना वो गिटार के लिए नहीं, वो रेसलिंग के लिए बने। आपके हाथ आपने सोचा किसी को मारने के काम ही आएंगे? एग्जैक्टली। तो मैं फिर वो मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई मैं शायद अपने गोल से हट रहा हूँ म्यूजिक की वजह से, और यकीन माने मैं तो उस वक्त ऐसे थीम सुनने लगा था, मुझे तो इंडियन इतना वो आइडिया था नहीं, लेकिन ये जो किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के जो सॉन्ग्स होते थे पुराने, ये पुराने सॉन्ग्स जो है मैं, अब मुझे नहीं पता कितने पुराने हैं, ये है कि अच्छे लगे थे कानों से गुजर गया, मुझे आज भी यही से याद है। पसंद है कोई सॉन्ग याद है, गुनगुनाते हैं कभी? नहीं, ये सॉन्ग तो नहीं गुनगुनाता। नहीं, मतलब कभी होता है ना, लोग कहते हैं बाथरूम सिंगर भी तो होते हैं लोग, तो आपने कभी गुनगुनाया? कभी अकेले में बंदा गुनगुना ही लेता? नहीं नहीं नहीं, बस ये है कि कभी कभी वही जैसा आपने थोड़ी देर पहले पूछा ना कि मोहब्बत किसी से हुई है तो उसको इम्प्रेस करने, करने के लिए जो है कभी कभी वो मतलब जाता। आप उनको सुना देते हैं? Exactly. चलें जी, बहुत अच्छी बात है। शेरो शायरी पसंद है आपको? मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये क्या बोलते हैं। मैं भी कैसे सवाल कर रही हूँ, मतलब जो बंदा मार धाड़ वाला बंदा है उसको क्या लगे मतलब इन चीजों से। खैर, मेरे जो शो का वक्त है वो खत्म होने वाला है, लेकिन जाने से पहले आप हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने यूथ और यंग जनरेशन को मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि आप लोग जो हो अनस्टॉपेबल रहो। देखो, आप ड्रीम देखो, और जिंदगी में सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनना ही नहीं है, जो आप बनना चाहते हो ना वो आप बनो,
तो चोर डाकू मत बनो, उसके लिए तो मैं खुद यही बोलूंगा कि आप अगर इंडियन मूवीज देख के अगर आप बोलते हो कि भाई मुझे खलनायक बनना है या माया भाई बनना है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन आप भाई कोई पॉजिटिव चीज आप बनना चाह रहे हो तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहला स्टेप हमेशा जो है टफ होता है। और मैं आपके पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूंगा, अपने बच्चे को डीमोटिवेट ना करें, क्योंकि टाइम चेंज हो गया और दुनिया में बहुत फील्ड्स हैं, इवन स्पोर्ट्स पर्सन के को भी जो है ना बहुत रास्ते हैं। और जो करना चाहता है बच्चा, आप उसको मोटिवेट करें, आप पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स का काम जो है बच्चों को डीमोटिवेट करना नहीं होता। तो काइंडली आप जो है अपने गोल्स को सोचें और इसी के ऊपर वर्क करें। थैंक यू सो मच कोहू, आपने आज हमें अपना बहुत कीमती वक्त दिया। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।